Hello students, in today's class we'll see few more functions after the function which we discussed in the last class. पिछले क्लासेस में हमने इतने सारे फंक्शंस को देखा है कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये सभी लेंथ फंक्शन, स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन फंक्शन, कैरेक्टर एक्सट्रैक्शन फंक्शन, स्ट्रिंग कंपैरिजन. स्ट्रिंग कंपैरिजन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप जरूर एक बार देखें. लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. अभी हम लोग छोटे मोटे फंक्शंस को देखेंगे जो इजी है, बहुत इजी है सर, लाइक सर्चिंग. इसके अतिरिक्त और भी हम लोग देखेंगे समय के हिसाब से. तो आइए हम लोग इसे समझते हैं यहाँ से सर्चिंग से. लाइक स्ट्रिंग S13 है यहाँ पर, ठीक है. ये एक वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है. इसमें मैंने क्या स्टोर किया है, ये एक चीज और एक ये दूसरा एलिमेंट. ये मैं क्यों लिख रहा हूँ उस तरह से, मैं आपको बस दिखाना चाहता हूँ कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम एक साथ भी लिख सकते थे, बट ऐसे भी लिखा जा सकता है कि आप समझिए कि दो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, दो स्ट्रिंग लिटरल्स को मैंने इस ऑपरेटर से कॉन्केटनेट कर दिया है. यानी कि ये पूरा का पूरा लाइन ये S13 में स्टोर्ड है. और टी का इंडेक्स क्या है, जीरो. टी जीरो पोजिशन पे है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से. अब आइए हम लोग एक्चुअली इसे एक बार रन करा लिया जाए. तो सबसे पहले इसे सेव करते हैं, और चूंकि ये कंपाइल ऑलरेडी, तो एक बार और अब इसे रन कराते हैं. देखिए अब ध्यान से समझने वाली बात इजी है. ये लाइन नंबर 71, ये 71 आप यहाँ पर देखिए, ये लाइन नंबर 71 में क्या है, सिस्टम डॉट S13 का वैल्यू प्रिंट करा दी. दिस इज लाइन, अनदर लाइन. यहाँ पे हमने स्पेस नहीं दिया है, कुछ और सेपरेटर भी नहीं दिया है, इसलिए ये बहुत क्लोज क्लोज है, मतलब कुछ भी नहीं भी, इसलिए ऐसा है. तो इन चीजों को आपको समझना है कि ऐसा होता है, ठीक है. आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि लाइन के बाद एक स्पेस होगा, फिर अनदर लाइन ये लिखाएगा, बट यहाँ ये सटा हुआ. क्यों सटा हुआ, ये करिए, क्योंकि लाइन के ठीक बाद मैंने अनदर यूज कर दिया है, स्पेस तो हमने दिया ही नहीं. स्पेस नहीं, स्पेस देंगे तो स्पेस आ जाएगा. लेट इट बी लाइक दिस, नो प्रॉब्लम. अब है इंडेक्स ऑफ ई, हम देखिए इंडेक्स ऑफ एक फंक्शन है. ये सर्च करता है, ये ढूंढ रहा है कि ये अक्षर ई इस स्ट्रिंग में कहां पर है. तो आइए देखते हैं, ये टी जीरो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ई जो है हमारा 13th पोजीशन पे है, इसीलिए यहाँ पे 13 है आउटपुट हमारा, ठीक है. अभी क्या है कि दूसरा फंक्शन है, देखिए लास्ट इंडेक्स, मतलब ई का आखिरी पड़ाव क्या है लास्ट. तो ये 13 यहाँ तक हो गया, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. आखिरी ई जो है इस स्ट्रिंग में, आखिरी लास्ट इंडेक्स ई जहां पर है, ये 25th इंडेक्स पे है. 25th पोजीशन कहना होगा, इंडेक्स कहना होगा, क्योंकि इंडेक्सिंग जीरो शुरू हो. अब अगला जो हमारा ये फंक्शन है वो क्या कर रहा है, ये हमने देखा कि एक अक्षर को हम ढूंढ रहे हैं, और वो बतला रहा है कि वो एक अक्षर किस इंडेक्स पे है, किस पोजीशन पर. वही इसी का दूसरा फॉर्म है ये, यू नो, इस तरह के फंक्शंस का ओवरलोडेड फॉर्म रहता है, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म का उदाहरण कि इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग को भी ढूंढेगा. यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग ऑफ लाइन, ये लाइन क्या है, ये लाइन एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है, एक अक्षर नहीं पूरा स्ट्रिंग, मतलब ये शब्द इस लाइन के बारे में, ये कहाँ पर है. तो वो भी हम इंडेक्स ऑफ से ढूंढ सकते हैं, अंतर को समझ. यहाँ हमको जब एक अक्षर हमें जब ढूंढना था, तो हमने उसे सिंगल कोटेशन मार्क में रखा ई. अब जब हमें पूरा का पूरा एक शब्द ढूंढना है गिवन स्ट्रिंग में, तो हम उसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिख रहे हैं, डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिख रहे हैं इंडेक्स ऑफ. तो लाइन कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, ये 10th पोजीशन पर है, गिन लीजिए आप. चलिए फिर से एक बार जी यहाँ से गिनना शुरू करते हैं. मैं इतना विस्तार से क्यों समझा रहा हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
ये 10th इंडेक्स से लाइन लिखा हुआ होता है, वैसे वो दिखा रहा है कि 10th पोजीशन पे लाइन नाम का शब्द है, क्योंकि सभी तरह के विद्यार्थी होते हैं, किसी को जल्दी समझ पाता है, थोड़ा विस्तार से समझने की जरूरत होता है, तो इसलिए मैं विस्तार से समझा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर लास्ट इंडेक्स ऑफ लाइन, ध्यान देने वाली बात यह है, आप समझ सकते हैं कि लाइन नाम का शब्द स्ट्रिंग में लास्ट में कहाँ पर है, तो ये 22वें स्थान पर, ठीक है ये वाला। मगर ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर मैंने स्मॉल लेटर में लाइन लिखा है, यहाँ पर एक कैपिटल, ये दोनों ही बिल्कुल अलग अलग है, तो इसीलिए ये इस वाले लाइन को ढूंढ रहा है कि ये लाइन कहाँ पर है, तो 22वें पोजिशन पर वो है। अब जैसे हमें ये चाहते हैं कि फर्स्ट और लास्ट तो ढूंढ दे रहा था, अब हमें चाहिए कि नहीं बीच में कहाँ पर ही है, दसवां में, 13वें स्थान पर ई, मगर उसके बाद फिर ई और कहाँ पर है, तो उसको हम एक दूसरा फॉर्म है इंडेक्स ऑफ फंक्शन का, जिसमें हम कैरेक्टर्स भी ढूंढ सकते हैं और स्ट्रिंग भी ढूंढ सकते हैं। तो देखिए इंडेक्स ऑफ ई 15, यानी कि ये 15th पोजीशन से देखना शुरू करेगा कि अब 15th पोजीशन के बाद अगला ई कहां पर है। चलिए हम लोग ध्यान से देखते हैं एक बार, ये हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, माने एन के बाद ये ढूंढना शुरू करेगा, 15th पोजीशन के बाद ये ढूंढना शुरू करेगा कि और कहां है ई। तो देखिए 15 ये हो गया, 16, 17, 18, 19, 19th पोजीशन पर फिर अगला ई है। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम फर्स्ट अपीयरेंस और लास्ट अपीयरेंस को ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम बीच में से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये सर्चिंग का काम कैसे होता है। अब हम लोग देखेंगे कि आगे और भी जो फंक्शन है वो कैसे काम करते हैं। एक नया सिनेरियो है आपके सामने, आप ध्यान से देखिए कि मान लीजिए हमें कोई शब्द ढूंढना है, लाइक इज हम ढूंढना चाहते हैं, इज मैंने प्रोग्राम में कुछ मॉडिफिकेशन किया है, इज नाम का शब्द हम ढूंढना चाहते हैं। तो अब देखिए इसमें भी मैंने कुछ परिवर्तन किया है, कुछ कुछ ऐड किया है, जैसे इज यहाँ पर है, इज एक यहाँ पर भी मैंने डाला है, एक यहाँ पर भी डाल दिया है, इस सेंटेंस का मतलब निकल रहा है इसके पीछे, मतलब इज डाला हुआ है। अब क्या है कि जब हम इंडेक्स ऑफ इज करेंगे, इस लाइन को देखिए, लाइन नंबर 77 में देखिए, जब हम इंडेक्स ऑफ इज करेंगे तो ऑब्वियस है कि हम ढूंढना चाह रहे हैं कि भाई इज कहाँ पर है, और हम ढूंढ भी रहे हैं और ये हमें बता भी रहा है कि इंडेक्स ऑफ इज 2। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा भ्रमित हो सकते हैं कि इज तो यहाँ पर है, ये 2 तो नहीं है, कहाँ है फिर? देखिए 0, 1, 2 इज यहाँ पर भी तो है। तो ये फंक्शन जो है आप जो ढूंढना चाह रहे हैं उसे ढूंढने के लिए बना हुआ है। आप भले मन में ये सोच रहे हैं कि नहीं हम तो इज एक शब्द, अलग सेपरेट शब्द है, सेपरेट वर्ड है, वो हम ढूंढना चाहते हैं, बट ये तो इसको ढूंढ दे रहा है यार, ये तो हम चाह ही नहीं रहे थे। तो देखिए आपको, आप क्या चाह रहे हैं ये फंक्शन को तो पता नहीं, फंक्शन तो वैसे ही काम कर रहा है जैसे उसको बनाया गया है। तो फंक्शन को कैसे बनाया गया है? फंक्शन को बनाया गया कि ढूंढो भाई इज कहाँ पर, तो इस ढूंढ के बता दिया कि दूसरे स्थान पर। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको वो इज चाहिए जो सेपरेट शब्द हो, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कोडिंग करना पड़ेगा, उसके लिए लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्या लॉजिक लगेगा? ध्यान, सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा इज, ठीक है? तो इज बतलाया कि भाई ये दूसरा शब्द, फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्या दो के ठीक पहले क्या आता है, दो के ठीक पहले क्या आता है, दो के ठीक पहले वन आता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि जीरो के बाद वन पोजिशन पे, फर्स्ट पोजिशन पे, इंडेक्स वन पे कौन सा अक्षर है। तो इंडेक्स वन पे कौन सा अक्षर है ये जानने के लिए कौन सा फंक्शन है? कैरेक्टर एट फंक्शन है हमारा। कैरेक्टर एट वन लिखेंगे तो हमें बता देगा ना कि कैरेक्टर एट जीरो वन, वन में क्या है, तो वन में एक्सट्रैक्ट करेगा कि भाई देखिए क्या है, एच है। तो अगर जो शब्द हम ढूंढ रहे हैं, लाइक इज हम ढूंढ रहे हैं, तो उस शब्द के ठीक पहले अगर स्पेस है, ठीक है, अगर स्पेस है, ठीक है, तो पहले तो हम जहां पर हमें वो शब्द मिला है उसके ठीक पहले का इंडेक्स में जो भी चीज है, कोई एक अक्षर होगा या कोई स्पेस हो, तो अगर कोई वो अक्षर है तो समझो कि
वो एक सेपरेट वर्ड नहीं है, उससे ठीक पहले अक्षर वो सटा हुआ है, वो इज जो है वो किसी शब्द का भाग है, वो एक सेपरेट शब्द नहीं है। हाँ, अगर वो उसे ठीक पहले स्पेस होता तो फिर वो शब्द होता, तब हम कंफर्म हो जाते कि भाई हाँ ये एक स्पेस स्टैंड शब्द है, स्टैंड अलोन शब्द है। मेरी बात हो सकता है आप ना समझ पा रहे हो, तो रिपीट करके सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको फर्दर लॉजिक लगाना पड़ेगा ये जांचने के लिए कि इस जो ढूंढा गया है दूसरे शब्द से, वो एक सेपरेट शब्द है या किसी शब्द का भाग है। तो उसके लिए एक लॉजिक, सिंपल लॉजिक मैं मेरे दिमाग में भी आया इसलिए बता रहा हूँ कि उस शब्द का जो पोजिशन आया जैसे टू आया, ठीक, तो टू के ठीक पहले अगर स्पेस होगा तो इसका मतलब है कि वो हमारा स्टैंड अलोन शब्द होगा। अगर स्पेस के अलावे कुछ होगा तो समझो कि भाई वो शब्द नहीं है, मतलब वो अकेला शब्द नहीं है, वो किसी शब्द का एक अंग है। तो वही इस केस में हो रहा है। तो इसके लिए फर्दर हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें इफ कंडीशन लगाना पड़ेगा, हमें कैरेक्टर एट फंक्शन लगाना पड़ेगा, हमें और भी एक दो फंक्शन इक्वालिटी टेस्टिंग के लिए सब चेक करने के लिए लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम उस पड़ाव तक पहुंचेंगे, ठीक है। अब आपका ये कहना हो सकता है कि सर मान लीजिए कि इस इज और आखिरी इज जो भी यहाँ पर है, आखिरी लास्ट इंडेक्स ऑफ देख लीजिए, देखिए लास्ट इंडेक्स ऑफ इज तो 27 दिखला ही रहा है, यानी कि ये इज जो है ये 27वें स्थान पर है। तो दूसरे और 27वें स्थान के बीच कितने इज हैं, कितने वैसे शब्द हैं, तो उसके लिए लॉजिक क्या लगेगा। तो सबसे पहले आप फर्स्ट इंडेक्स निकालिए, मतलब पहला इज कहाँ है वो निकाल लिए, फिर हम आखिरी इज निकाल दिए वो निकाल दिए, फिर एक लूप लगाएंगे, ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे कि पहला अपीयरेंस जो हमारा इज का है, जगह से जैसे मान लो दूसरे स्थान पर है, तो फिर हम एक ये फंक्शन लगाते हैं, इस तरह से देखिए बैठ के सोच के आप प्रोग्राम खुद से बनाइएगा, कितना फायदा होगा, कितना आप सोचिएगा, मतलब दिमाग कितना काम करेगा, और दिमाग को जितना यूज करेगा आप उतना बेहतर हो जाएगी। इंडेक्स ऑफ इज टू के बाद है ना, तो इंडेक्स ऑफ इज टू के बाद दूसरे स्थान के बाद इज फिर कहाँ है, देखिए इसका आउटपुट आप देखिए, टू के बाद में थ्री देना होगा, एक और ऐड कर देखिए, दूसरा स्थान में तो खुद इज है ही, तो एक जोड़ के मतलब उसके बाद ढूंढो कि अगला इज कहाँ है, तो अगला इज देखिए कहाँ पर है, यहां से देखिए जीरो वन टू थ्री, यहाँ के बाद इज का है तो फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ स्थान पे, फिर इज हमारा अगला है। फिर तो आपको पता चल गया कि भाई अगला इज फिफ्थ स्थान पे, फिर एक लूप में जोड़ दीजिए या फिफ्थ मतलब सिक्स के बाद फिर अगला इज का है, तो ये एक लूप में वेरिएबल के साथ वैल्यू डाल करके आपको एक अच्छा सा एक कोड तैयार करना पड़ेगा, तब आप भूल सकते हैं कि टोटल इज कितने हैं हमारे गिवन स्ट्रिंग। और कोई जरूरी नहीं कि ये स्ट्रिंग दो ही लाइन का एक ही लाइन का हो, ये एक स्ट्रिंग हजारों लाखों लाइन का भी हो सकता है, ठीक है, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। ये फंक्शन जिस अच्छाई से या जितना अच्छा से एक छोटे दो लाइन के स्ट्रिंग पर काम कर रहा है, उतना ही अच्छा से वो लाखों लाइन के स्ट्रिंग पर भी वो करेगा। एक्चुअल में प्रोग्रामिंग या ऐसा फंक्शन ये छोटा मोटा काम के लिए होता भी नहीं है, ये बड़े काम के लिए ही होता है। तो थिंक बिग एंड ट्राई। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, बाकी आपको और इसको बेहतर समझने के लिए आप खुद मन में सवाल उठाइए कि हम अगर ये चाहें तो कैसे होगा, वो चाहें तो कैसे होगा, और इसको करने के लिए प्रयास करिए। और इसी को तो कहते हैं प्रोग्रामिंग, इससे आपका सोचने समझने का क्षमता धीरे धीरे डेवलप होता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।